नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल जी की चैनल रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हलवाई स्टाइल आलू की सब्ज़ी। आपने सब्जी तो बहुत बनाई होगी, पर इस तरह से बना के देखे तो आपको हलवाई की सब्ज़ी भी स्वाद नहीं लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी आलू की सब्जी। यहाँ हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डालेंगे हम 1 चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है, डालेंगे सबसे पहले हींग। यहाँ डालेंगे एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 4 लौंग डाली हमने, सॉरी 4 काली मिर्च और 1 लौंग। साथ में डालिए 1 साबुत लाल मिर्ची और 1 ही डाला है तेज़पत्ता। अब इनको थोड़ा सा हम तेल में फ्राई होने देंगे। अब डाल देंगे हम 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच जीरा भी हमारा भुन रहा है। जीरा हमारा भुन गया है, हमने ये 1 मीडियम साइज की पैन ली है, उसको हम डाल देंगे। उसको भी भून लेंगे। साथ में हमने 3 हरी मिर्ची ली थी, इसको बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है और इसी तरह चलाते हुए हमने प्याज को अच्छे से भून लेंगे, इससे ये चारों तरफ से अच्छे से भून जाए। 1/2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। प्याज हमारी भुन गई है, अब हम इसे कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया, स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच हल्दी। नमक थोड़ा सा और गिर देते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। एक मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये हमारे कटे हुए टमाटर, इसको भी भून लेते हैं। टमाटर भी भून गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारे मसाले भून जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। मसाला हमारे अच्छे से भुन गया है, अब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर देंगे हम। अब हम इसमें ये 5 आलू लिए हैं उबाल के, अब हम इसको इस तरह से हाथों से मैश करते हुए अपनी सब्जी में डाल देंगे। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए मसाले में ही आलू को भूनेंगे हम। और इस तरह से हम 1 मिनट भून लेंगे। अब 1 मिनट हो गया हमारे आलू को भूनते हुए मसाले में, अब हम डाल देंगे इसमें पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल दें, आपको जैसे ढीली चाहिए या गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दें। हमने इसमें 1/2 ग्लास पानी डाला है, अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जी चेक कर लेते हैं। हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। आपको कचौरी के साथ अगर सब्जी बनानी है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इस गैस कर देंगे बंद और साथ में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 से थोड़ा कम गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि हमने खड़े मसाले भी डाले थे, गर्मी में ज़्यादा गरम मसाले सही नहीं रहते। ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। आप पूरी या पराठे के साथ जिस भी साथ पे खाओ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है।
ये हमारी गर्मा गर्म सब्जी बनकर रेडी है। आप पराठे के साथ खाओ, पूरी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको कचौरी के साथ खानी है तो इसको थोड़ा सा पानी और डालकर इसको ढीली कर लेना, तो ये सब्जी कचौरी के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। नमस्कार, मैं सुनीता अपने चेन्नई जी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू की सब्जी, बिल्कुल हलवा स्टाइल। आप कचौरी के साथ खाना चाहते हो तो भी ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। बस इसमें थोड़ा पानी कर लेना, और वैसे ये पूरी और पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जब भी आप सब्जी आलू की सब्जी बनाएं तो आप बनाएं इस तरह से, तो ये खाने वाले भी आपकी तारीफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी आलू की सब्जी।